आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो मेरा नेट हाउस या प्रोटेक्टेड नेट हाउस बनाया हुआ है उसकी माहिती देने जा रहा हूँ। ये नेट हाउस हमने सब्जी उगाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ उगाने के लिए और एप्पल प्लांटेशन के लिए बनाया है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको हमने इसको किस तरह बनाया उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी माहिती साझा करने जा रहा हूँ। पूरी माहिती पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये मेरा फ्लैट नेट हाउस है, जिसको मैंने करीब इसकी जो हाइट है वो 10 फुट ली हुई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है और लंबाई जो है 15 मीटर है, यानी ये करीब 150 स्क्वायर मीटर या 1500 चौरस फुट का टोटल नेट हाउस है। इसके अंदर मैं करीब 4 लाइनें पौधों की पेड़ की लगाने जाऊंगा हाई डेंसिटी में, यानी 32 पेड़ मेरे सफरजन के आएंगे और बाकी के भाग में मैं ऑर्गेनिक सब्जियां उगाऊंगा। इसको कैसे हमने बनाया है उसको अभी आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हमने इस प्लॉट में मार्किंग कर ली। यहाँ हम 5x5 मीटर का जो फ्लैट हाउस बनाने वाले हैं उसके लिए मार्किंग कर ली है हमने, और अब हम इसमें जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ इस तरह से गड्ढे बना रहे हैं जिसके अंदर हम फाउंडेशन की पाइपें फिट करेंगे। सो अभी हमने जो भी हमारी मार्किंग की है उसके बाजू दोनों बाजू धागे से उसको अलाइन करके बांध रहे हैं, जिससे हमें कॉलम की पोजीशन या कॉलम के जो बेस पाइप के उसकी पोजीशन परफेक्ट मिले। तो इस तरह धागा बांध के हम उसकी पोजीशन फाइनल कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें जो कॉलम की पाइप है उसको फिट करेंगे। सो अभी हमारे जो गड्ढे तैयार है इसके अंदर हम जो बेस पाइप है उसको तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने बेस पाइप को रख दिया, इसके बाद उसको हमें अलाइनमेंट करना है। दोनों बाजू से लेवल ले लेंगे ताकि पाइप एकदम सीधा रहे। एक बार हमने जब लेवल कर लिया अभी उसको पोजीशन में पकड़ के हम इसमें जो कंक्रीट हमने बनाई हुई है उसको डाल के उसको फिट कर रहे हैं। इस तरह हमें सारे पाइपों को फिट कर देना है। फिट होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी, ये हमारी जो कॉलम है हमारे उसकी पोजीशन फाइनल हो गई। इसी तरह हम सारे कॉलम, यहाँ 4 लाइन में कॉलम आएंगे और 3 लाइनें आएगी, तो कुल 12 कॉलम इस तरह फिट कर लेंगे। इसके बाद हम उसकी फ्रेम की फिटिंग करेंगे जो हमारी 5x5 मीटर पर रखी है। तो अब हमारा फाउंडेशन तैयार हो चुका है। अभी जो हमारी ये पर्लिन की पाइपें हैं उसको हम साइज के हिसाब से मार्क करके रखे हुए हैं, उसको काट के तैयार कर देते हैं ताकि वो वाली पाइप से ये वाली पाइप में एग्जैक्ट फिट हो जाए। हम उसको अभी सारी पाइपों को पहले काट लेंगे, इसके बाद उसमें हम प्रोफाइल की फिटिंग करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो पाइप काट के तैयार करी थी साइज में उसको हमने जैसे हम ऊपर फिट करने वाले ऐसी पोजीशन में सेट कर दी है। अभी उसकी वर्टिकल पोजीशन हम लॉक कर रहे हैं और इसके बाद हम इस पर इन प्रोफाइलों को फिट कर रहे हैं। प्रोफाइल का उपयोग होता है कि इसमें स्प्रिंग की मदद से हम नेट को फिट करने वाले हैं। हम हर 1.5 से 2 फीट की दूरी पर एक एक स्क्रू लगा के इन प्रोफाइलों को फिट कर रहे हैं। इसके लिए हम सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी प्रोफाइलें ऊपर बनी रहेगी। देखिए ये तैयार हो गई। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सारे कॉलमों को इस फ्रेम पर फिट करके पूरी फ्रेम को तैयार कर दिया है। अब इसको हम खड़ा करेंगे जो हमने फाउंडेशन के पाइप लगाए उसके ऊपर। हमें एक साथ में इसको उठाना है और उसको ये जो फाउंडेशन की पाइप बनाई है उसमें लगाना है। ये देखिए हम एक साथ में उसको लगा के खड़ा कर देंगे। ये हमारी पाइप इस तरह भी सारी फ्रेम खड़ी हो गई। अब इसको हमने जो हमारी फाउंडेशन पाइप है उसके अंदर घुसा दिया। इसी तरह हमें बाकी की दोनों पाइप को भी उठा लेना है, उसके बाद हम इसमें पर्लिन की फिटिंग करेंगे। तो अभी जो है हम इसकी जो क्रॉस मेंबर पर्लिन है उसका फिटिंग कर रहे हैं ताकि जो हमारी फ्रेम है मजबूती पकड़ ले और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पूरा शेप पकड़ के रखे। तो हमने इसको यहाँ
क्लैंप की मदद से फिट किया हुआ है। इसी तरह इसको सामने भी एक क्लैंप की मदद से हम फिट कर लेंगे। इस तरह सभी कॉलम के अक्रॉस में ये फ्रेम बनाएंगे और इस तरह कुछ ये फिट हो जाएगी। तो यहाँ हमारा स्ट्रक्चर इस तरह ख़त्म हो जाएगा। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रेमवर्क पूरा हो गया है। हमने पूरी फ्रेम चारों बाजू लगा दिए और अभी हम नेट लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमने नेट को एक रस्से की मदद से अभी बांध लिया है और अभी हम क्या करेंगे, इस रस्से को इन पाइपों के ऊपर से घुमा के नेट को वहाँ से वहाँ खींच लेंगे। उसके बाद नेट को हम स्प्रेड करेंगे और लॉक करेंगे। ये हमने पाइप पार कर लिया, ये देखिए हम बहुत ही आसानी से इसको पार करा लेंगे अभी। देखिए एक पाइप हमने पार कर लिया अभी, इसी तरह हम दूसरे पाइप को भी इसी तरह पार कर लेंगे, तीसरे पाइप को भी पार करके उसको वहाँ सामने के एंड तक ले आएंगे। इस तरह हमें लाइन में जितने भी हमारी लंबाई रखनी है इस हिसाब से हमें नेट को लेना है। ये देखिए हमारी नेट अभी तीनों पर पार हो गई। अभी हमें इस नेट को फैला देना है ताकि हमारी यूनिफॉर्मली ये पूरी बढ़ जाए। तो रस्सा खोल लेंगे और इसको अभी फैला लेंगे। देखिए अभी हमने उसको पूरा फैला लिया है दोनों बाजू से। देखो अभी हमारी नेट पूरी फैल गई। अभी इसको हमें स्प्रिंग से लॉक करके पोजीशन में टाइट करना है, क्योंकि हम इसमें हम मिट्टी में उगाने वाले सारी वनस्पतियाँ, तो कीड़ों की रोकथाम के लिए हमें नीचे का जो लेयर है उसको नॉन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बंद करना पड़ेगा ताकि कीड़े नीचे के लेवल से उसमें आवन जावन नहीं कर पाए। इसलिए हम इस नेट को अभी 2 फीट ऊपर लॉक कर रहे हैं। इसके नीचे हम प्लास्टिक का टुकड़ा फिट करेंगे जिसको स्कर्टिंग बोलते हैं, जिससे कि कीड़े की रोकथाम अच्छी तरह हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको ज़मीन में फिट करेंगे। पहले अभी हम इसको स्प्रिंग से लॉक कर रहे हैं पोजीशन में, ये लॉकिंग का प्रोसीजर चल रहा है इस तरह। तो चारों बाजू से इस तरह अभी पहले लॉक कर लेते हैं। लॉक होने के बाद ये किच इस तरह हो जाएगी ज़मीन से 2 फुट ऊपर तक। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि अभी नेट हाउस पूरी तरह तैयार है, हमने सभी बाजू से उसको पैक कर दिया है। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। आप अंदर से अभी इसको देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा चौड़ा है। इसकी जो कुल चौड़ाई है वो 10 मीटर है और उसकी जो टोटल लंबाई है वो करीब 15 मीटर है। अभी इस नेट हाउस में हम जो एप्पल के पौधे लगाने वाले हैं उसको हम करीब 8 फुट पर लगाने वाले हैं। तो इसमें हम करीब 4 लाइन एप्पल के पौधों की लगाएंगे और बाकी के जगह में हम बेड बनाएंगे जिस पर हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे, जिसकी अपडेट मैं आने वाले समय में आपको अलग वीडियो से दूंगा। पर अभी के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा नेट हाउस तैयार है। अभी इसमें हमें ड्रिप सिस्टम भी फिट करना है और ये बेड बनाने हैं और एप्पल के पौधों को तैयार करने के लिए गड्ढे बना के उसकी तैयारी करनी है। तब तक आप भी अपना इस तरह का कोई छोटी सी जगह है जहाँ इस तरह का प्रोटेक्टेड हाउस बना लीजिए, जिससे आप भी ठंडी जलवायु में होने वाले पौधों को अपनी जगह उगा पाए और ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी अच्छी तरह उगा पाए। हैप्पी ग्रोइंग।